अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो डिज़र्ट की है, चॉकलेट डिज़र्ट। अगर आपके पास घर में चॉकलेट है तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बन जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, क्योंकि हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 500 ml मिल्क, और इसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। सबसे पहले हमने दूध को डालना है, और डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया 100 ग्राम शुगर या फिर आधा कप शुगर। तो अच्छी तरह से डालने के बाद हमने इसको बॉयल कर लेना है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ऐसे मेरे आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब तक दूध बॉयल हो रहा है, तो मैंने ले लिया यहाँ पर कुछ चॉकलेट। चॉकलेट आपको जो पसंद हो आप वो चॉकलेट ले सकते हैं, और इसको हमने कट करना है। और ये तकरीबन मैंने इसके अंदर चॉकलेट जो इस्तेमाल की वो 120 ग्राम चॉकलेट है। जो आपको पसंद हो आप वो चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 120 ग्राम चॉकलेट थी जिसको मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पर मैंने ले लिया कोको पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर देंगे। ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इंग्रेडिएंट इस रेसिपी के अंदर। आपने जस्ट अगर आपके पास घर में चॉकलेट है आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून जितना इसके अंदर कोको पाउडर भी डाल दिया। आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। आज की मेरी वीडियो के अंदर थोड़ी सी आवाज़ जो है वो थोड़ी ख़राब आ रही है, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा फ्लू हो रहा है। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और दूध को हमें अच्छी तरह से पकाना है। जब हम इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे तो दूध गर्म है तो अच्छी तरह से ये जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस प्रोसेस में। तो जब तक दूध पक रहा है तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया कुछ चाइना ग्रास, जो कि कुछ इस तरह से, अगर आप चाहें तो इस रेसिपी में अगर कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो चाइना ग्रास या फिर अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको इधर निकाल कर दिखा देती हूँ ये किस तरह से। तो यहाँ पे मैंने चाइना ग्रास का जो पैक लिया था वो लिया था एक पूरा पैक और एक हाफ पैक लिया था, जिसको मैंने इस रेसिपी में शामिल किया। जब अच्छी तरह से कोको पाउडर है दूध के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगा 1 से 2 मिनट के लिए, इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चॉकलेट, जो कि 120 ग्राम चॉकलेट लिए मैंने। आपको जो पसंद हो आप वो चॉकलेट ले सकते हैं। ये डिज़र्ट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, तकरीबन इसका टाइम जो तैयार होने का वो 10 से 15 मिनट है। आप इसको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप इसको बना सकते हैं। जस्ट आपको चाहिए चॉकलेट और दूध। दूध तो घर में अवेलेबल होता है, अगर आपके पास चॉकलेट है तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। तो अच्छी तरह से हमने इसको डिज़ोल्व कर लिया चॉकलेट को। जब चॉकलेट अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमने यहाँ पर ले लिया चाइना ग्रास। अगर आप अगर डाल रहे हो तो आपने इसी स्टेज पर अगर डाल देना है, या फिर आपने चाइना ग्रास इस्तेमाल करें तो आप चाइना ग्रास डाल दें। यहाँ पर मैंने 1.5 पेक लिया था चाइना ग्रास का, और इसको हमने डाल दिया इसके अंदर। और अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि डिज़ोल्व नहीं हो जाती। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को जल्दी से जाकर कर दें सब्सक्राइब, और कमेंट में बताएं आपके यहाँ का कौन सा फेमस डिज़र्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी को शेयर करूँगी और बताऊँगी कि वो रेसिपी मुझे कैसी लगी। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ पर इसको पका लिया है, दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। आप चेक कर लेते हैं कि चाइना ग्रास जो है वो डिज़ोल्व हुई या नहीं। तो अभी हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद और पकाना है, क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर चाइना ग्रास रहती है। तो इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। इस स्टेज पर आके जब अच्छी तरह से चाइना ग्रास जो है डिज़ोल्व हो जाएगी दूध के साथ, तो हमने स्टोव पर से इसको उतार देना है, और रूम टेम्परेचर पर हम इसको लेकर आ जाएंगे। अगर आप किसी केक मोल्ड के अंदर डाल रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक प्लास्टिक मोल्ड के अंदर डालूंगी, इसलिए मैं इसको रूम टेम्परेचर पर पहले लेकर आ गई थी। अच्छी तरह से चलाएंगे और इसको हल्का हल्का सा ठंडा कर लेंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। तो हमारा चॉकलेट मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इस स्टेज पे आके आपने कोई भी मोल्ड ले लेना है, अगर आप चाहें तो केक मोल्ड ले लें, या फिर आप कोई डिश ले लें जिसमें आप इसको सेट करना चाह रहे हैं, या जिस भी शेप का आप इसको सेट करना चाह रहे हैं आप उस चीज़ के अंदर जैसे इसको डाल दें। और डालने के बाद आपने इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देना है। सारा हम चॉकलेट मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए, कम से कम 3 घंटे के लिए हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर। और ये 3 घंटे के अंदर अंदर इतना अच्छा सा सेट हो जाता है, तो हम इसको रख देंगे फ्रिज में। तो 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर, और मैंने निकाल लिया है इसको फ्रिज से। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है सेट होने के बाद।
अब हम इसको छुरी की मदद से साइड से हटा लेंगे ताकि ये आसानी से और जल्दी से निकल के बाहर आ सके। तो इस तरह से हमने चारों तरफ जो है साइड्स में छुरी से इसको कट कर देना है। जिस तरह से हम साइड में से निकालते हैं इसको, इस तरह से बहुत ही जल्दी बन जाने वाला डिज़र्ट है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मीठा खाने का दिल कर रहा होता है लेकिन हम चाहते हैं कि हम किचन में ज़्यादा देर तक के लिए खड़े नहीं हों और जल्दी से हम कुछ बना लें, तो ये उन डिज़र्ट में से एक डिज़र्ट है। तो साइड में से मैंने इसको अच्छी तरह से निकाल लिया था। अब मैंने एक ले लिए प्लेट और इसकी मदद से हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। हल्का सा ऊपर से हम टैप टैप करेंगे और ये निकल जाएगा बाहर। यहाँ हमारा जो चॉकलेट डिज़र्ट है वो निकल गया। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े का कलर आया है इसके ऊपर, बिल्कुल चॉकलेट ही लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है जैसे कि जेली होती है, बिल्कुल इस तरह से आप समझिए कि एक चॉकलेट जेली होती है, बिल्कुल उस तरह से इसका टेस्ट आता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर आपने कोई जल्दी जल्दी से चीज़ बनानी है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो मैं आपको एक स्लाइस ट्राई करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है क्योंकि बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ है और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती है, बिल्कुल आसानी के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।